लो रहोगे तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि बॉल की हाइट कितनी है। मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ वीडियो के एंड तक आपका लेंथ वाला फंडा ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम गलत लाइन लेंथ कब जज कर लेते हैं, जब सोलो क्रिकेटर्स दिस इज उमंग सेठी एंड यू आर वाचिंग मॉडर्न डे क्रिकेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले लेंथ के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था लाइन के बारे में, और अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर से इस वीडियो के बाद जाकर लाइन वाला भी वीडियो देख लेना। तो आज बात करते हैं लेंथ के बारे में कि लेंथ कैसे जज करना है। हम बहुत इजी वे में समझेंगे कि लेंथ कैसे जज करते हैं, क्योंकि बहुत से वीडियोस है यूट्यूब में पर बहुत कॉम्प्लेक्स वे में बताया गया है। मैंने खुद 2-3 वीडियोस देखे, मैं खुद कंफ्यूज हो गया भाई करना क्या है वहाँ पर। तो इस वीडियो में बहुत ईजिली बताने वाला हूँ एंड आई एम श्योर कि वीडियो के एंड तक, मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ वीडियो के एंड तक आपका लेंथ वाला फंडा ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि लेंथ एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि जितने भी महान बैट्समैन रहे हैं अब तक, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे बैट्समैन रहे हैं, जैसे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे, ये सारे बैट्समैन में एक चीज़ कॉमन है, क्या सोचो, दिमाग लगाओ, इन सब का हाइट कम है। ये चीज़ आपने कभी नोटिस किया, इन सब का दे आर शॉर्ट हाइटेड, ज़्यादा लंबे नहीं है, मतलब कोई भी 6 फुट का नहीं है, सब वही 5'8", 5'6", 5'5", 5'7" ऐसे ही है, ठीक है। ये चीज़, ये केस वन हो गया, और बाकी जो लंबे बैट्समैन हैं जो अच्छी बैटिंग करते हैं, जिन्होंने अपना अच्छा नाम किया है, उन सब के बैटिंग में भी एक चीज़ कॉमन है, बोलो क्या, वो ये है कि वो अपने स्टांस में झुक के रहते हैं। आप केएल राहुल को देख लो, चेतेश्वर पुजारा को देख लो, और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जो है तो लंबे पर अपने स्टांस में झुक कर रहते हैं। तो ये दोनों केस से हम क्या समझते हैं, ये दोनों केस से हम ये समझते हैं कि हम जितना ज़्यादा लो रहेंगे उतना ज़्यादा हम अच्छी बैटिंग करेंगे, ठीक है। अच्छी बैटिंग हम क्यों कर पाते जब स्टांस में लो रहते हैं, जब हम स्टांस में लो रहते हैं तो हमें लेंथ अच्छा जज होता है। हमारा हेड जो है वो कैमरा है और ये लेंस है, लेंस जितना लो रहेगा उतना अच्छा आप समझ पाओगे कौन सा बॉल आपसे दूर गिर रहा है, कौन सा बॉल आपके पास गिर रहा है, आप लेंथ अच्छे से पकड़ पाओगे। मैं एक ईजी सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आप लोग में से बहुत जन फ्लाइट में ट्रैवल किए होंगे। एरोप्लेन में जब हम चलते हैं तो हम जब नीचे बिल्डिंग्स देखते हैं तो किसी भी बिल्डिंग की हाइट हमें पता नहीं चलती है, हमें नहीं पता चलता कि कौन सा बिल्डिंग कितना लंबा है, कौन सा बिल्डिंग छोटा है, अगर आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, राइट। पर यही अगर आप रोड में खड़े रहोगे तो आपको हर एक बिल्डिंग की हाइट के बारे में पता चलेगा, आपको समझ आएगा कि भाई बिल्डिंग कितनी लंबी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम एरोप्लेन में रहते हैं ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमें उतना अच्छा आइडिया नहीं मिलता है, ठीक है। वही जब हम ज़मीन पर रहते, ज़मीन पर रहेंगे उस लेवल पर रहेंगे तो हमें पता चलता है कि भाई साहब बिल्डिंग तो कितनी लंबी है, ये बात मानते हो। सेम वही चीज़ बैटिंग में, बैटिंग में क्या है, अगर आप इस तरह से खड़े रहोगे तो आप ऊपर से बॉल को देख रहे हो तो ऊपर से आपको पता नहीं चल रहा है कि बॉल की लेंथ क्या है, बॉल की हाइट कितनी है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा है। पर यही अगर आप चांस में लो रहते हो, लो रहोगे तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि बॉल की हाइट कितनी है, बॉल आपसे कितनी दूर पिच कर रहा है, क्या वो ऊपर पिच कर रहा है, क्या वो पीछे पिच कर रहा है, ये बहुत क्लियर आइडिया बैठेगा अगर आप चांस में लो रहते हो। तो इससे हमें पता चला कि लो रहने का क्या एडवांटेज है, क्योंकि बहुत से वीडियोज़ में आपको बोल देंगे कि भाई लेंथ आपको जज करना है तो आपको लो रहना है। अरे क्यों रहना है, रीज़न क्या है इसके पीछे? तो अगर एक बार हमको रीज़न समझ आ जाता है ना तो लाइफ में फिर ना वो चीज़ हमको भूलते ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा समझा करो। ऐसे अगर आपको एग्ज़ाम देने चल जाओगे, आप रट कर चल जाओगे, अगले ही दिन एग्ज़ाम के अगले दिन ही भूल जाओगे, पर अगर समझ के जाओगे तो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा। तो सेम वही है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक बार ये फंडा क्लियर हो गया तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि भैया झुक के रहना है, झुक के रहेंगे तो लेंथ अच्छे से जज होगा, ठीक है। जो सेकेंड चीज़ है, सेकेंड चीज़ ये है कि अपने दिमाग को ब्लैंक रखना है। बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है ना कि भाई दिमाग को ब्लैंक रखना, बैटिंग से दिमाग को ब्लैंक, बैटिंग कैसे करेंगे, यही तो पॉइंट है, यही तो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन समझते नहीं है। मोस्टली होता क्या है, हम गलत लाइन लेंथ कब जज कर लेते हैं, जब हम पहले से सोच लेते हैं कि ये बॉल तो पीछे गिरने वाला है या ये बॉल तो आगे आने वाला है। अगर आप पहले से सोच लोगे, आपके दिमाग ने सोच लिया, दिमाग ने सोच लिया तो दिमाग ने अपने आपकी बॉडी को सिग्नल भेज दिया, बॉडी का सिग्नल चल गया तो बॉल आगे रहे पीछे रहे कुछ भी रहे आप आगे ही जाओगे। अगर आपने सोच लिया कि बॉल हो सकता आगे आए तो आगे ही जाओगे। अगर आपने सोच लिया कि बॉल हो सकता पीछे आए तो बॉल आगे रहे पीछे रहे आपका बॉडी वैसे पीछे के लिए ही रिएक्ट करेगा। तो
तो कभी भी कुछ सोचना नहीं है। प्री डिटरमाइंड जिसे कहते हैं कि प्री डिटरमाइंड शॉट खेल दे इसलिए आउट हो गया, इसका मतलब क्या है? पहले से सोच लेना कि वही होने वाला है, तो ऑब्वियसली आप फंसोगे। हमें क्या करना है, हमें ब्लैंक माइंड रखना है और अपने बॉडी को रिएक्ट करने देना है। मेनली होता क्या है ना कि देखो, अगर आप अब तक एक दो साल हो गया आपको क्रिकेट खेलते हुए, तो एक बात हमेशा समझ लो कि आपका बॉडी इतना रेडी हो गया है कि वो बॉल को देखकर खुद रिएक्ट कर ले। ठीक है, आराम से बैटिंग में खड़े रहो, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, बॉल के हिसाब से रिएक्ट करना है। बॉल अगर पीछे गिरा तो बैक फुट जाना है, बॉल अगर ऊपर आया तो फ्रंट फुट जाना है। ठीक है, अब बात आती है कि बैक फुट फ्रंट फुट तो ठीक है, पर अगर आपको बैक फुट खेलना ही नहीं आता, फ्रंट फुट खेलना ही नहीं आता, तो फिर आप जज करके भी क्या करोगे? ये वही बात होगी कि आपको पानी में ढकेल दिया गया है, आपने जज कर लिया कि पानी में बचने के लिए स्विमिंग करना है, पर आपको स्विमिंग आती नहीं है, क्या होगा, मर जाओगे। वही चीज़ है, आपने जज कर लिया कि अच्छा ये बॉल बैक फुट का है, ये बॉल फ्रंट फुट का है, जज कर लिया, पर अगर आता ही नहीं खेलना तो क्या होगा, आउट हो जाओगे। तो इसलिए हमें ड्रिल्स करके अपना ये परफेक्ट कर लेना है। बैक फुट के लिए क्या ड्रिल्स करना है, स्टांस में आ जाओ, अपने पार्टनर को बोलो जो वाइट सिंथेटिक बॉल आता है या जिसे हॉकी बॉल कहते हैं उससे शॉर्ट बॉल आपको थ्रो करने, शॉर्ट बॉल थ्रो करेगा, पिच को कर लो अराउंड 15 यार्ड्स का पिच कर लो और उसको बोलो बॉल थ्रो करने। क्या करना है, शफल किए, बैक फुट डिफेंस, बैक फुट ड्राइव, बैक फुट ड्राइव, ये करके आप 100 बॉल्स बैक फुट खेल। ठीक है, एक ड्रिल हो गया, अगला ड्रिल क्या करना है, अगला ड्रिल उसको बोलो आगे फेंकने, आगे पैर निकाल के ड्राइव, आगे पैर निकाल के ड्राइव। दोनों ड्रिल जब आप परफेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको 50-100 बॉल्स मिक्स करना है। मिक्स में आपका बैक फुट सही हो गया, फ्रंट फुट सही हो गया, दोनों आपको आता है। अब आगे बात जजमेंट की, आपको मिक्स में क्या करना है, खड़े हो गए, अब हमें दिमाग रखना है ब्लैंक, बॉल जैसा आएगा आपको वैसे रिएक्ट करना है। छोटा बॉल है बैक फुट जाओ, आएगा बॉल है आगे खेलो। जनरली यही होता है कि अगर बॉलर ने एक बहुत भयानक वाला बाउंसर डाल दिया तो हम लोग डर जाते हैं कि भाई तो बाउंसर डाल रहा है, अगला दिमाग में यही आता है कि फिर से लगता है बाउंसर ही डालेगा, डर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पीछे चल जाते हैं। और जनरली बॉलर्स क्या करते हैं, ऊपर डाल देते, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि बैट्समैन कैसा सोच रहा है, उनको पता रहता है कि मैंने इसे बाउंसर डाला, ये डर के पीछे जाएगा, इसको लगेगा कि अगला बॉल ही बाउंसर आने वाला है, तो सोचना ही नहीं है। अगर आप ये दिमाग में ही रखोगे कि बैक फुट जाना है फ्रंट फुट जाना है, ये सब अगर ब्लैंक होकर खेलोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी एकदम परफेक्ट रिएक्ट करेगा बॉल के हिसाब से। ठीक है, जैसे आपको कोई चाटा मारने वाला है तो आप ऐसे बचते हो ना अपने आप को बचाने के लिए, तो वही चीज़ है, बाउंसर आया खुद बॉडी रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए आपको फुटवर्क भी तेज़ करना होगा। फुटवर्क तेज़ कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ ड्रिल्स हैं, मैं बहुत जल्दी वो ड्रिल्स भी लेकर आऊँगा, नहीं तो अभी के लिए बहुत से फुटवर्क वाले ड्रिल्स हैं इंटरनेट पे, अब ज़रूर से देख लो, लैडर ड्रिल्स हो गए, स्किपिंग हो गए, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, अब समझते हैं कि आईज का भी बहुत बड़ा रोल होता है लेंस जज करने में। जब आप बैटिंग कर रहे हो, लोगों के बैटिंग कर रहे हो, ये जो आई लेवल है, इस आई लेवल के थोड़े ऊपर से बॉल आए तो वो बॉल आने वाला है फ्रंट फुट, अगर इस आई लेवल से बॉल डिप कर जाए तो वो जाएगा बैक फुट। ये आप हल्का आइडिया रख सकते हो, पर टोटली इस पर डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता उस समय जज करने का। स्पिनर्स में टाइम मिल जाएगा, स्पिनर्स में आप फ्लाइट जज करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा कि अच्छा मतलब आई लेवल से ऊपर जा रहा है आगे जाना है, आई लेवल से नीचे जाना है बैक फुट जाना है, पर पेसर में टाइम नहीं मिलता है। तो पेसर में आपको करना यही है, वेट करो, माइंड ब्लैंक रखो, बॉल के हिसाब से खुद रिएक्ट करो, पहले से कुछ नहीं सोचना, पहले से सोचोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो क्रिकेटर्स एक और बात आपसे शेयर करना है कि आपने बहुत से क्रिकेट कमेंटेटर्स को, एक्सपर्ट्स को सुना होगा, वो कहते हैं गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ, फुल लेंथ, ये लेंथ, वो लेंथ, तो इस लेंथ के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, और ये सारे वर्ड्स मतलब आप दिमाग में रखकर बैटिंग करोगे ना, बैटिंग कभी नहीं होगी, मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको। आपको बस एक सिंपल सा फंडा याद रखना है, हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं बैटिंग को, बहुत ज़्यादा सोच के, ज़्यादा सोचना नहीं है, ईजी लेना है बैटिंग को, और एक सिंपल सा फंडा याद रखना है। बैटिंग कर रहे हो, बॉल पीछे गिरा तो हम जाएंगे बैक फुट, बॉल अगर आगे गिरा तो जाएंगे फ्रंट फुट,
यही बॉल अगर ना बैक फुट गिरा ना फ्रंट फुट गिरा, बीच में गिरा, तो आपको इस तरह से हाफ कप निकालना है और बॉल का वेट करना है। अगर विकेट अच्छा है, बॉल अगर स्किट होके आ रहा है आपके पास, तो आप ऑन द अप ड्राइव मार सकते हो, ऑन द अप स्ट्रेट ड्राइव, ऑन द अप फ्लिक कवर ड्राइव ऐसे मार सकते हो, जैसे शिखर धवन मारते हैं, विराट कोहली मारते हैं, अच्छे विकेट्स में वो वेट करते हैं, ऑन द अप मारते हैं, बहुत अच्छा निकलता है। पर यही अगर आप मैट में बैटिंग कर रहे हो, अगर आप खराब विकेट में बैटिंग कर रहे हो जहाँ पर बॉल फंस रहा है, वहाँ क्या करना है, वहाँ पर हाफ कप में गए, बॉल फंस कराया, बॉल को आने दिया, सॉफ्ट हैंड रखा, बॉल यहाँ गिरा, सिंगल, बहुत सेफ ऑप्शन है, आपको कोई आउट होने का डर नहीं रहेगा और बिल्कुल परफेक्टली आप बैटिंग करोगे और इसी से आप इजीली लेंथ वगैरह सब जज कर लोगे। तो लेंथ को बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स मत करो, बहुत डरो मत इससे, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। वीडियो अगर समझ नहीं आया हो, क्योंकि मैंने बहुत डीप में जाकर बताया, अगर वीडियो समझ नहीं आई हो फिर से एक बार देखो वीडियो को, ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर हो सके तो पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, तो इससे आपके बैटिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही अगर आपने लाइन वाला वीडियो नहीं देखा कि हाउ टू जज द लाइन, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन में ही मिल जाएगा आपको, वो ज़रूर से देख लेना और फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। और अगर आपने अभी तक मॉडर्न डे क्रिकेट को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, और इसी तरह के क्रिकेट रिलेटेड कॉन्टेंट्स के लिए मॉडर्न डे क्रिकेट को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। कॉमेंट सेक्शन आप ही के लिए, अपने सारे क्वेश्चन पूछो अगर कोई भी डाउट हो तो आपको। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ।